उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब राजनीतिक दलों की नज़र बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव पर है और इसे जीतने के लिए सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया है कि इस बार चुनाव में भी भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव तक हम बहुमत के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं और 7 चरण के अंत तक हम 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2017 में भाजपा ने यहां सरकार बनाई थी तब बेरोजगारी दर करीब 18% था, लेकिन अब ये घटकर 2% से भी कम हो गया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि हम परिवार वाले लोग हैं, परिवार में जाते हैं तो कुछ लेकर जरूर जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी को याद दिलाना चाहता हूं कि वे अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेकर जाएं। जो गुल्लू गोरखपुर में इंतजार कर रहा है, यहां से जाएं तो बिस्किट जरूर लेकर जाएं।